पहले 2 दिन तो मैं सबसे पहले जब शो में गया था, मैं सबसे पहले मोटिव मेरा यही था कि जो ईशा और मेरे बीच में या अभिषेक का जो भी था, वो उस चीज़ को मेरे को सॉर्ट करना था। मैंने कभी भी ईशा को ही नहीं बोला कि तू गलत है या फिर तूने मेरे को धोखा दिया, चीट किया या कुछ ऐसा किया है। उसको सेम था कि भाई तुमने एक दिन में क्यों माफ़ कर दिया। एंड उसको मेरा स्टेटमेंट भी यह था कि तू बाहर गलत दिख रही है, मैंने ऐसा नहीं बोला तू गलत है। उस चीज़ को 2 दिन में मैंने सॉर्ट किया। एंड यस, मेरा फोकस गेम पे ही था। बिल्कुल भी नहीं, ईशा के बारे में बहुत ही म्यूचुअल बातें हो रही थी। एंड ऑफ कोर्स मैं किसी से पहली बार मिलूंगा एंड कोई कॉमन चीज़ हमारे बीच में निकलेगी तो हम उस पर चर्चा करेंगे, बात बिल्कुल करेंगे। और कोई झूठ बात नहीं की, जो कुछ भी मैंने बोला है आई स्टैंड बाय इट। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, जो कुछ भी बोला है वो सच बोला है। पोकिंग क्या है, देखो अब कोई भी चीज़ मेरे अंदर चुल्ली नहीं काटी थी कि मैं पोकिंग करूँ। हर चीज़ का एक बोलते ना कि कोई रीज़न होता है करने का। मैंने पोकिंग की, जो भी कह लो, बैंड बजाई पोकिंग की या तो फ्रस्ट्रेशन में बोला, वो मेरी फ्रस्ट्रेशन थी, भड़ास थी, गुस्सा था मेरे अंदर जो भरा था। क्योंकि अभिषेक ने बाहुबली वाला टास्क हुआ था उस दिन, बहुत गंदी बात, चीप बातें बोली थी ईशा के लिए। एंड हम तीनों ने बोली थी, ऑफ कोर्स सलमान सर ने भी बोला था कि ऐसी बातें हैं जो दिखा भी नहीं सकते, तो बातें मेरे दिमाग में बैठ गई थी। एंड दैट डे आई डिसाइडेड कि अभिषेक दोस्त तो नहीं बन सकता भाई, इसकी तो बैंड ही बजानी है। यस, मेरा तरीका बहुत अलग था बॉडी लैंग्वेज, बिकॉज जब मैं शो में गया था पहले 2-3 हफ्ते मैं एज एन समर्थ लड़ता था, बट जब मेरे को समझ में आया कि ये कोई मतलब नहीं एज एन समर्थ लड़ना, चिंटू बहुत अच्छे से लड़ता है। क्योंकि चिंटू की थोड़ा क्या शरारती है, थोड़ा सा बोलते हैं काइंड ऑफ बोल सकते हो कि मज़े लेने टाइप से आ जाता है, तो वो तरीका मेरे को अच्छा लगा कि भाई गला भी नहीं बैठ रहा है, भौंकना भी नहीं पड़ रहा है और मस्ती की मस्ती हो रही है, तो वो तरीके से मैं लड़ रहा था। वो चिंटू का नेक्स्ट लेवल वो गलत हो गया। ऑफ कोर्स मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया है, आई एग्री, आई स्टैंड बाय इट कि मैंने गलत किया है, बट या वो सब मेरी फ्रस्ट्रेशन थी। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स मैं भी बहुत नर्वस था उनके बिहेवियर से कि यार क्यों नहीं बात कर रहे हैं। नाराज़गी दिख रही थी बिकॉज शो में ही उनको पता चला कि ईशा और मैं डेट कर रहे हैं, मैं ईशा का बॉयफ्रेंड हूँ। हालांकि उनकी मदर को पता था कि हम डेट कर रहे हैं, तो वो नाराज़गी थी। एंड माँ बाप अपने बच्चे के लिए केयर करेंगे कि यार क्या होता है, मैं थप्पड़ खा के 5 मिनट बाद हंसने लग गया, अभी भी यहाँ पे बैठा हूँ नॉर्मल हूँ। लेकिन जो रिलेटिव्स होते हैं, फैमिलीज़ होती है, वो तो इस फील्ड में नहीं है ना, तो उनको कोई रिलेटिव बोलेगा कि अरे तुम्हारी बेटी ये कर रही, तुम्हारी बेटी वो कर रही, तो उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो वो अफेक्शन उनका दिखा मुझे चेहरे पर। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता एक फ़न तरीके से मजाक उड़ाना या फिर मुंह पे मजाक उड़ाना या फिर आप नहीं था वो, हाँ पीछे था। तो वही मुंह पे मजाक उड़ाना वो बहुत गलत ही था कि तू अदरक कैसे दिखती ये वो है। अगर हम किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं कि ऐसे, तो खानजादी ने भी क्या नाम है, ऐश्वर्या के लिए बोला था कि तू ऊपर आ जा बात करने मुझसे, तो तेरी हाइट बहुत छोटी, तो वो हाइट का भी बॉडी शेम होता है, लेकिन डिफरेंस होता है कि आप किसी मुँह पर बेइज्जती कर रहे हैं या एक फ़न तरीके से बात कर रहे हैं। बिल्कुल भी, अब जीतना जीतना तो मेरे को नहीं पता भाई, लेकिन मेरे हिसाब से जो वो एक्सपोज हुआ है उसके बाद ही मेरी हेट उसके लिए बड़ी यार। वो जो ईशा को करण सर ब्लेम कर रहे थे, वो एक्चुअल में मुझे करना चाहिए, मुझे करना चाहिए, बिकॉज मैंने ही सबको बोला था कि भाई ये बात सबके सामने होनी चाहिए, ज़रूरी है, बिकॉज मैं नहीं चाहता, अकॉर्डिंग टू मी, आप कोई भी हो, मैं हूँ या कोई बच्चा है या यंगस्टर है, कोई भी 1% भी बंदा उससे प्रेरित हो कि भाई ये सब करके भी मैं करोड़ों जनता बिग बॉस देख रही हूँ और वहाँ पे प्लेटफॉर्म में मैं खड़ा हूँ, तो मैं नहीं चाहता उससे कोई प्रेरित हो। आर्टिस्ट बहुत अच्छे हो, अभी आपका बैड टाइम चल रहा है, आपका बैड फेज चल रहा है, 12 के रिकवर कीजिए, फिर से खड़े होइए, तो आपको बिल्कुल ताली बजाऊंगा मैं। जो लायक है वही जीतेगा। एंड ऑडियंस को तो मैं ये बोल रहा हूँ, मैं तो चाहूँगा ईशा जीते, इफ़ नॉट ईशा देन मेरी सेकंड प्रायोरिटी है अंकिता जी, बिकॉज दोनों की जर्नी बहुत खास रही है। जिस तरीके की अंकिता जी की प्रोफाइल है, कम से कम उन्होंने उतना तो दिखाया है। एंड अभिषेक का ठीक है, बट मैं चाहता हूँ ईशा और अंकिता जी में से कोई जीते।